पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग बाहर से आने शुरू हो गए हैं, तो किस तरीके से आपके दिशा निर्देश पे यहाँ कार्य चल रहा है? ये हमारे जो है जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय के निर्देशन में जो लोग RT-PCR करा कर आ रहे हैं उनका एंट्रेंस हो रहा है एंटाली में। इसके अलावा बिना RT-PCR के अलावा किसी का एंट्रेंस नहीं है। दूसरा जो है जो मोटरसाइकिल वाले हैं, पहले हम लोग उनकी चेकिंग नहीं करते थे कि RT-PCR है या नहीं है, हमने उनकी भी चेकिंग करनी शुरू कर दी। तो मोटरसाइकिल वाले बिना RT-PCR कह रहे हैं उन्हें वापस कर देते हैं। उसके अलावा जो है जिन होटलों की पार्किंग नहीं है, क्योंकि हमारी सारी पार्किंग लोकल की सारी पार्किंग भरी हुई है, और जिन होटलों की पार्किंग नहीं है उनकी जो बुकिंग देख कर हम लोग RT-PCR और बुकिंग देख कर नारायण नगर में और रूसी बाईपास पर हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था करवा रखी है। दिशा निर्देशन में वहाँ पर उनके गाड़ी में रोक कर वहीं व्यवस्थित रूप से सुरक्षित फोन करवाई जा रही है, ताकि जो है और कैब की व्यवस्था की गई है, कैब का सिक्योर रेट है, उसी वही कैब उन लोगों को छोड़ रही है। सर, जैसे कि होटल स्वामी हैं, उनके पास भीड़ बढ़ रही है, तो उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, और क्या बाहर से आए हुए पर्यटकों का वो लेखा जोखा रख रहे हैं या नहीं रख रहे? जी हाँ, कभी हम लोग सडनली चेक करते हैं तो उनके पास अधिकांश लोग जो है सारे अपने रजिस्टर वगैरह सब मेंटेन कर रहे हैं। सर, जैसे अमूमन देखा गया पिछले वीकेंड पे भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, इस बार भीड़ भाड़ कम देखी जा रही है और बहुत व्यवस्थित व्यवस्था देखी जा रही है, क्या कप्तान साहब के फॉर्मूला जो है वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है, जो स्टिकर का फॉर्मूला है? सर जी हाँ, ये जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय का दोनों का फॉर्मूला है और पूर्ण रूप से सफल हो चुका है। जी सर, थैंक यू।